अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुना, मध्यस्थता के लिए पैनल का नाम सुझाने के लिए कहा। चीफ जस्टिस ने सभी पक्षकारों को आज नाम का सुझाव देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से कहा है कि अगर संभव हो सके तो मामले को मध्यस्थता से ही सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ जमीन का मसला नहीं है बल्कि दिल दिमाग और भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। मुस्लिम पक्षकार मध्यस्थता की बात मानने के लिए तैयार है, हालांकि हिंदू पक्षकारों ने इस मसले पर अलग अलग राय रखी है। निर्मोही अखाड़ा मध्यस्थता के पक्ष में, जबकि बाकी के हिंदू पक्षकार हिंदू महासभा और रामलला विराजमान ये मध्यस्थता के पक्ष में नहीं है। हिंदू महासभा का कहना है कि मध्यस्थता से फायदा नहीं है, कोई तैयार नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी से यह मान लेना कि फायदा नहीं होगा यह ठीक नहीं है। फिलहाल मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गुमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। लेकिन रहेगा नहीं रहेगा ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है, और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। तो आज मामले की सुनवाई अदालत में हुई, आज 10 बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई अयोध्या विवाद को लेकर, ये आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिंदू महासभा और रामलला विराजमान मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है, इन्होंने इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्षकार मध्यस्थता के लिए तैयार है, इन्होंने हामी भरी है। एक हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ये भी मध्यस्थता के पक्ष में है। राम की जमीन पर एक इंच भी समझौता संभव नहीं है, यह हिंदू पक्षकार की तरफ से आज कहा गया। मध्यस्थता से कोई फायदा नहीं है, इसे लेकर कोई तैयार नहीं होगा, यह भी हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई। ये संपत्ति विवाद नहीं है, धार्मिक मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, हिंदू पक्षकार की तरफ से यह भी कहा गया, और इसीलिए मध्यस्थता जैसी कोई बात संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता इस विवाद को सुलझाने की है, बाबर ने जो किया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, अतीत में जो हुआ उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, लेकिन हम बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह दिमाग, दिल और रिश्तों को सुधारने की कोशिश है, हम इसे लेकर पूरी तरह से अवगत हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मुस्लिम पक्षकारों के अलावा निर्मोही अखाड़ा भी मध्यस्थता के लिए राजी है। निर्मोही अखाड़ा के महंत धर्मदास ने कहा, राम मंदिर अयोध्या का विवाद, भगवान राम की जन्मभूमि पर यह मंदिर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने कहा इस पर, ये आपको सुनवाते हैं। सुरक्षित रख लिया, किसको, किसके माध्यम से मध्यस्थता करने के बात सोचा है, कौन कैसे, कोर्ट में कागज कैसे जाएगा जी, तो कैसे आप लोग इसकी, कैसे आप लोग इसकी रणनीति तैयार करेंगे? इसका रणनीति हनुमान जी तैयार करी है जी, और जौन होगा तौन होगा, लेकिन कोर्ट में इसको संजीदगी से काम करना चाहिए। कोर्ट इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द इसको सुनवाई में लगना चाहिए। लेकिन वो आप ही लोग पे छोड़ रही है, तो हमरे पे छोड़ रही है, तो हम लोग पक्षकार लोग ही बैठ के इस मामले, तो पक्षकार लोगों पर छोड़ दे पूरा, अब पक्षकार को पूरा प्रोटेक्शन दे, कितना लोगों से बात होगा ये भी देख ले। हाँ, अब किससे कौन सी की बात होगा, क्या होगा, यही जो मंदिर में केवल हिंदू मुसलमान में बात होगा जी, और हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे कि कौन की है और कहाँ है मंदिर बनेगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। महेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश, पिछली बार की सुनवाई में अदालत ने कहा था कि अगर 1% भी संभावना है कि मध्यस्थता से बात बन सकती है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए, आज अदालत में हुआ क्या, सबसे पहले ये समझाइए। देखिए, इसके अंदर जो 5 जजेस की बेंच है, जिसमें से जो 3 जजेस हैं सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 नंबर के जो चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरे बार चीफ जस्टिस बनेंगे, दूसरे नंबर के जज, वो हैं जस्टिस बोबडे, उन दोनों की पूरी कोशिश है कि जो है मध्यस्थता के रास्ते, जो है मध्यस्थता के जरिए यानी कोर्ट के बाहर आम सहमति से कोई रास्ता निकल आए। उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि बाबर ने क्या किया, पुरानी बात है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, लेकिन हमें भविष्य को देखना है और करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर अदालत के बाहर
कोई रास्ता निकल आता है तो ठीक है, लेकिन इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, हालांकि उन्होंने बोला कि मध्यस्थता किसी पे थोपी नहीं जा सकती है, करोड़ों लोग जो हैं दोनों पक्षों के लोग इसमें शामिल हैं, सबको पर आप मध्यस्थता की बात को कैसे थोप सकते हैं। तो ये बात थी। तो इसमें मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि हाँ मध्यस्थता के लिए वो तैयार है, लेकिन उनका ये कहना था कि मध्यस्थता का तरीका क्या होगा ये पहले से बता दिया जाए। नंबर दो, अगर मध्यस्थता में कोई भी बात तय हो जाती है और उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर वो सबको मान्य होगी, उसके बाद कोई अपील या रिव्यू नहीं होगा। और कायदे में तो वैसे जब भी ये कानून है कि जब मीडिएशन में कोई जाता है और मीडिएशन में जाने के बाद अगर किसी पे सहमति हो जाती है और सभी पक्ष उस पर सहमति पे साइन कर देते हैं तो उसके बाद उसकी कोई अपील नहीं होती है, तो खैर कानून ही है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी पक्षों का ऑर्डर तो सुरक्षित रखा है, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष मीडिएटर जो मध्यस्थता कराने वाले लोग हैं उनके नाम बताएं, वो चाहे एक नाम भी हो सकते हैं चाहे वो पैनल के कई लोगों के नाम हो सकते हैं, पैनल बनेगा, इसका मतलब इंडिकेशन ये है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में चल रहा है कि मध्यस्थता की ओर हमें आगे बढ़ना है। अब इसमें इशू ये है कि जैसे कि मध्यस्थता का जो कानून है सीपीसी में वो जो है चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, सब में कानून एक ही लागू होता है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर तो मेडिएशन सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे काफी केसेस निपटाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मेडिएशन सेंटर, लेकिन सुप्रीम महेश आप हमारे साथ बने रहिए।